दोस्तों, मेरा नाम है मारो पर आप देख रहे हो अगला वीडियो एंड ऑल इन ऑल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाला है आप कैसे आपने सैमसंग गैलेक्सी S5 के ऊपर सैमसंग गैलेक्सी 8 ड्रीम UX रोम को इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जगह लाल बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ऑसम वीडियो को देखने के लिए। सो प्लीज हिट द रेड सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा XDA डेवलपर का, और अगर आप XDA डेवलपर की पेज पे आओगे तो आपको यहाँ से सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना होगा। डाउनलोड करने से पहले आपको बता दूँ दोस्तों, इस रोम के ऊपर अभी के लिए 4 बग है। फिंगरप्रिंट सेंसर अभी के लिए काम नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ ब्लू लाइट फिल्टर और नाइट लॉक और G900L NFC अभी के लिए काम नहीं कर रहा है। अगर आप चाहो तो स्टॉक लॉन्चर को फ्लैश कर सकते हो TWR रिकवरी से, और अगर आप चाहो तो यहाँ से फॉरवर्डर को भी फिक्स कर सकते हो। अगर आप फिंगरप्रिंट में क्लिक करते हो आपको इस पेज पर ले आता है, और अगर आप यहाँ से रोम डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली इस यहाँ पर क्लिक करो डाउनलोड पर, आपको इस मेगा पेज पर ले आएगा। लगभग 1.26 GB का है S5 ड्रीम UX जो zip फाइल है। यहाँ से आप सिंपली डाउनलोड थ्रू योर ब्राउजर पर क्लिक करो, सो आपके फ़ोन के ऊपर डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है। सैमसंग गैलेक्सी S5 के ऊपर अगर आप इस रोम को फ्लैश करना चाहते हो तो आपके फ़ोन के ऊपर रूट एक्सेस होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके फ़ोन के ऊपर TWR रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। तो सिंपली आपकी होम की पावर की और वॉल्यूम आप की को प्रेस करके रिकवरी मोड पर जाओ। TWR रिकवरी में जाने के बाद सिंपली फैक्ट्री रिसेट कर दो। फैक्ट्री रिसेट करने के बाद जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से उस रोम को डाउनलोड करके आपके इंटरनेट स्टोरेज पर रख दो। वहाँ से आपको इंस्टॉलेज पर जाना होगा। इंस्टॉलेज पर जाने के बाद सिंपली इस रोम को स्वाइप करके इंस्टॉल करो। हो जाने के बाद आप सैमसंग गैलेक्सी S8 रोम की मजा ले सकते हो अपने सैमसंग गैलेक्सी S5 के ऊपर।